नजरे तो उठा के देख जरा तेरे सामने ये दीवाना है। एक जमाना था जब इस गाने ने लोगों के दिलों पर जादू कर दिया था। उस जमाने में लाखों करोड़ों के दिलो दिमाग पर ये गाना नशे की तरह छा गया था। आंखों में छुपा कर रख लूंगा इस फूल से कोमल तन। सिनेमा के पर्दे के पीछे ये जादू भले ही महान गायक मुकेश और स्वर कोकिला लता मंगेशकर की आवाज में किया था, लेकिन सिनेमा के पर्दे पर ये जादू उस कलाकार ने किया था जो सिनेमा के पर्दे पर तो अभिनेता की भूमिका में था, लेकिन वास्तविक जीवन में वाकई जादूगर था। अरमान था तुझको देखूं मैं सावन की नशीली रात। हम बात कर रहे हैं साल 1959 की सुपरहिट फिल्म मदारी में जादूगर की भूमिका निभाने वाले अभिनेता रंजन की, जिन्होंने 50 के दशक में हिंदी और तमिल सिनेमा में हंगामा बरपा दिया था। तुम जो आओ तो प्यार आ जाए। 50 से अधिक फिल्मों में अभिनय का जलवा दिखाने वाले रंजन अभिनेता तो थे, साथ ही साथ हर फन में माहिर थे, या यूं कहें कि वो क्या नहीं थे। रंजन मजे हुए नर्तक, तैराक, क्रिकेट और फुटबॉल खिलाड़ी, घुड़सवार, तलवारबाज, वायलिन वादक, चित्रकार, जादूगर, संगीतकार, नाटककार, पत्रकार, आलोचक, पायलट और समाज सेवी थे। वो जंतर मंतर के जरिए अदृश्य दैवीय शक्तियों को काबू में करने में लगे रहते थे, और कहा जाता है कि उन अदृश्य दैवीय शक्तियों ने ही उनका काम तमाम कर डाला था। इस वीडियो में मैं आपकी दोस्त और होस्ट श्वेता जया आपको इस बहुरंगी बहुआयामी कलाकार के जीवन और फिल्मों के बारे में विस्तार से बताने जा रही हूँ। आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, रंजन 2 मार्च 1918 को मद्रास में पैदा हुए थे। उनका वास्तविक नाम राम नारायण वेंकट रामना शर्मा था। वो 10 भाई बहन थे, जिनमें से 8 भाई और 2 बहनें थीं। वो अपने बहन भाइयों में चौथे नंबर की संतान थे। उनके पिता श्रीरंगम के रहने वाले थे। रंजन की प्राइमरी शिक्षा मद्रास में हुई थी। उनके बड़े भाई आर शर्मा ने बम्बई के जे स्कूल ऑफ आर्ट से शिक्षा प्राप्त की थी और मद्रास के एक सफल आर्किटेक्ट थे। बाल्यावस्था में ही रंजन और उनके एक बड़े भाई वैद्यनाथन का रुझान संगीत की ओर हो गया था। उनके पिता ने दोनों भाइयों की रुचि के अनुसार उन्हें मद्रास के बेहतरीन संगीत शिक्षकों से तालीम दिलवाई। वैद्यनाथन विदेशी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में चले गए। रंजन ने भी वहीं जाने का निश्चय कर रखा था, मगर उसी जमाने में यूरोप में महायुद्ध छिड़ गया और उनकी विलायत जाने की योजना धरी की धरी रह गई। छात्रावास में वो स्टेज नाटकों में भाग लेते रहते थे। संयोग से एक बार उनके नाटक में मद्रास के जेमिनी स्टूडियोज का एक कर्मी दीपातोर कल्लू दर्शकों के बीच मौजूद था। रंजन के अभिनय से प्रभावित होकर कल्लू ने निर्देशक पीजी राघवाचारी से उनके नाम की सिफारिश की। राघवाचारी, जो कि एमके त्यागराज भागावतार की फिल्म अशोक कुमार बना रहे थे, उन्होंने रंजन को फिल्म में गौतम बुद्ध का रोल दे दिया, मगर इस रोल में कोई संवाद नहीं था। फिल्म अशोक कुमार की सफलता के बाद रंजन को तमिल फिल्म रिशा सिंगार में टाइटल रोल दिया गया। उनकी आरंभिक फिल्मों में उनका नाम आर रमानी बीए दिया जाता था। उन्हें रंजन का नाम न्यूटोन स्टूडियो के मालिक जितेन बनर्जी ने दिया था। रंजन हिंदी सिनेमा के पर्दे के लोकप्रिय एक्शन हीरो होने के साथ साथ गायक, पत्रकार और लेखक भी थे। उनकी प्रथम तमिल फिल्म 1931 में बनी अशोक कुमार थी, लेकिन उन्हें वास्तविक प्रसिद्धि निर्माता एस वासन की 1948 की भव्य कॉस्ट्यूम फिल्म चंद्रलेखा से मिली। हिंदी में बनी ये फिल्म तमिल फिल्म चंद्रलेखा की रीमेक थी, जिसमें रंजन ने खलनायक की भूमिका निभाई थी। ये फिल्म अपने जमाने की बहुत महंगी और भव्य फिल्म थी, जिसकी लागत उस सस्ते के जमाने में 39 लाख रुपए आई थी। दक्षिण भारत में बनी ये पहली फिल्म थी जिसका पूरा देश में जबरदस्त स्वागत हुआ। इस फिल्म में एक नगाड़ा डांस दिखाया गया था, जिसमें कई विशालकाय नगाड़े इस्तेमाल किए गए थे। इन नगाड़ों में देशभक्त जनता की पूरी फौज छिपकर आती है। इन विशालकाय नगाड़ों के ऊपर नृत्य की कोरियोग्राफी खुद रंजन के उपजाऊ मस्तिष्क का कमाल था। साल 1948 की इस तमिल फिल्म चंद्रलेखा में जब उन्हें विलन के रोल की पेशकश की गई, तो उन्होंने बेझिझक
इस रोल को स्वीकार कर लिया और बाद में उसके हिंदी रूपांतर में भी यही रोल किया। फिल्म चंद्रलेखा की हीरोइन एम के राधा थी। उसने कहा था, तुम बिजली की तरह चमकती दमकती हुई आओगी और मैं तुम्हारी चकाचौंध से बेहोश होकर गिर पड़ूंगा। कहीं सचमुच न गिर पड़िए। तमिल और हिंदी में बनी फिल्म चंद्रलेखा के बाद उनकी अगली फिल्म मदारी थी, जो 1959 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म के बाद हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों को उन्होंने जीत लिया। इस फिल्म में उनकी हीरोइन चित्रा थी। इस संगीत प्रधान फिल्म के संगीतकार कल्याण जी आनंद जी थे, जिन्होंने इसमें कई सुपरहिट गीतों की रचना की थी। रूठे न कहीं मुझसे दुनिया, ये बात तुम्हारी सुन। मुकेश और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में एक गीत, दिल लूटने वाले जादूगर अब मैंने तुझे पहचाना है, उस जमाने में संगीत प्रेमियों के दिलों पर एक नशे की तरह छा गया था। इस गीत में बीन की अनोखी सुर लहरी का प्रयोग किया गया था, जिसे पुराने लोग आज भी याद करते हैं। तमिल फिल्मों में भी रंजन ने उत्कृष्ट अभिनय का प्रमाण दिया। तमिल फिल्म रेशा श्रृंगार में उन्होंने हीरो का रोल किया था और वैजयंती माला की माता वसुंधरा इस फिल्म की हीरोइन थी। जब रंजन ने हिंदी सिनेमा में कदम रखा तो हर ओर दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर और अशोक कुमार जैसे आकर्षक व्यक्तित्व वाले अभिनेताओं का बोलबाला था। हालांकि रंजन ने 50 के दशक के मध्य में हंगामा मचा दिया था, मगर उस दशक के अंत तक उनके अभिनय का जादू खत्म होने लगा था। उनकी हिंदी अच्छी नहीं थी और वो बम्बई की फिल्मों की भाषा से भी अनजान थे, जिसके कारण उन्हें कदम कदम पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हिंदी फिल्मों में नाकाम होने के बाद उन्होंने दोबारा तमिल फिल्मों में पैर जमाने का प्रयास किया, मगर सफल न हो सके। रंजन सही मायनों में एक बहुमुखी और हरफन मौला कलाकार थे। वो एक ही समय में प्रशिक्षित नर्तक, संगीतकार, नाटक लेखक, पत्रकार, आलोचक, पायलट, खिलाड़ी, चित्रकार और जादूगर सभी कुछ थे। एक अकेला व्यक्ति इतने सारे कार्यों में कैसे भाग ले सकता है? इसका जवाब यही है कि उनके पास हर काम के लिए समय था। जब वो फिल्मों की शूटिंग से खाली होते थे तो अपने किसी भी शौक में व्यस्त हो जाते थे। जब उन्हें मानसिक विश्राम की आवश्यकता महसूस होती तो बालकनी में जाकर चित्रकारी करने लगते थे। वो एक फुर्तीले खिलाड़ी थे और घुड़सवारी, तैराकी, क्रिकेट, फुटबॉल में विशेष रुचि और महारत रखते थे। कॉस्ट्यूम फिल्मों में तलवार चलाने की आवश्यकता के कारण उन्होंने कर्तव्य वालों से तलवारबाजी का हुनर सीखा था। सिर्फ 15 वर्ष की आयु में उन्होंने वायलिन बजाने में दक्षता प्राप्त कर ली थी। कम उम्र में ही वायलिन जैसा वाद्य यंत्र बजाने में कमाल हासिल करने पर उन्हें स्कूल में कई पुरस्कार मिले थे। इन तमाम कार्यकलापों के साथ उन्होंने नृत्य की ओर ध्यान दिया और भरतनाट्यम, कथकली और कथक में असाधारण महारत प्राप्त की। वो ऑल इंडिया रेडियो मद्रास पर गाने जाया करते थे और पूरे दक्षिणी भारत में उनकी आवाज भली भांति पहचानी जाने लगी थी। रेडियो पर गायन के साथ चित्रकारी के विषय में भी कभी कभी उनकी बातचीत रेडियो से प्रसारित की जाती थी। लेखन के क्षेत्र में भी रंजन ने काफी काम किया है। नाटक और संगीत के बारे में उन्होंने कई ज्ञानवर्धक लेख प्रकाशित किए। वो स्थानीय सांस्कृतिक पत्रिकाओं में भी निरंतर जानकारी पूर्ण लेख लिखते रहते थे। रंजन विश्व जादूगर बिरादरी के एक सक्रिय सदस्य थे, जिसका केंद्रीय कार्यालय अमेरिका में था। वो ऑल इंडिया मैजिशियन क्लब की मुंबई शाखा के अध्यक्ष थे, जबकि पीसी सरकार इस क्लब के पूरे देश के अध्यक्ष थे। एक सामाजिक स्वयंसेवक के रूप में वो मद्रास की YMCA के सार्वजनिक सेवा के कार्यक्रमों में भाग लेते रहते थे। उन्होंने मद्रास में हरिजनों के लिए एक स्कूल भी बनवाया था, जिसका उद्घाटन विख्यात कांग्रेसी नेता सी राजगोपालाचारी के कर कमलों द्वारा हुआ था। रंजन ने अपने 40 वर्षीय फिल्मी जीवन में लगभग 60 फिल्मों में काम किया था। उनकी जग प्रसिद्ध फिल्मों में चंद्रलेखा, मंगला, सपेरा, मदारी, जादू नगरी, खिलाड़ी, शनशाना की बबलाबू, बहुत दिन हुए, स्वर्ण सुंदरी, निशान, ताजपोशी, बागी सिपाही, काला घोड़ा, सिंधबाद द सेलर, एक था राजा इत्यादि उल्लेखनीय हैं। 1942 में रंजन ने एक प्रशिक्षित नर्तकी और संगीतकार कमला देवी से विवाह कर लिया, जो कि पेशे से डॉक्टर थीं।
दोनों पति पत्नी दक्षिणी भारत के भ्रमण पर गए, जिसके दौरान उन्होंने कई नगरों में अपनी नृत्य मंडली के रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। इस कला प्रदर्शन के लिए उन्होंने लड़के लड़कियों को खुद ही नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण दिया, ड्रेसें तैयार कराई और नृत्य में स्वयं भी हिस्सा लिया। रंजन और कमला देवी के स्वभावों में अंतर होने के कारण कुछ दिनों बाद उनमें तलाक हो गया। उनकी दूसरी पत्नी लक्ष्मी एक सुशिक्षित मुस्लिम महिला थी और पेशे से LLB वकील थी। उन्होंने अपना पूरा परिवार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार चलाया। दुर्भाग्यवश दोनों पत्नियों से रंजन के कोई संतान पैदा नहीं हुई। रंजन धूम्रपान के बहुत शौकीन थे। वो कुछ भी करते हों मगर सिगरेट उनके होठों से अलग नहीं होता था। वो एक कट्टर ब्राह्मण थे और मांस मदिरा को कभी हाथ नहीं लगाते थे। 1 सितंबर 1983 को अमेरिका के शहर न्यू जर्सी के एक होटल में अभिनेता रंजन का हृदय गति रुक जाने के कारण देहांत हो गया। निधन के समय उनकी आयु 65 वर्ष की थी। रंजन के बारे में कहा जाता है कि मुंबई में वो अपने जंतर मंतर के द्वारा अदृश्य दैवीय शक्तियों को काबू में करने के प्रयासों में लगे रहते थे, मगर उन्हें अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त नहीं हुई। उनके देहांत के समय कुछ फिल्मी पत्रिकाओं में ये आशंका प्रकट की गई थी कि इन्हीं रहस्यमय शक्तियों ने विदेश में उनका काम तमाम कर डाला, लेकिन इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता। उनका निधन कैसे हुआ ये रहस्य ही बना रहा। उनके पार्थिव शरीर को अमेरिका में ही दफना दिया गया था। तो दोस्तों, आप रंजन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? क्या आपने रंजन की कोई फिल्म देखी है? अगर देखी है तो उनका अभिनय आपको कैसा लगा? ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अगले वीडियो में मैं फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी अनजानी जानकारियां लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए नमस्कार।